brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ कुंडा के विधायक राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह को लेकर किए गए अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के बयान पर क्षत्रिय संगठनों में नाराजगी है। उनका कहना है कि इस समय ऐसे बयान देने का कोई तुक ही नहीं है। आखिरकार रानी के पेट से राजा, शत्रानी के पेट से क्षत्रिय या ब्राह्मण के पेट से ब्राह्मण पैदा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ये सवाल पूछा है राष्ट्रीय हिंदू क्षत्रिय ने वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुणेंद्र सिंह ने, और इसी सवाल को लेकर बवाल भी है। अनुप्रिया पटेल ने शनिवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजा भैया पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि अब राजा लोकतंत्र में रानी के पेट से पैदा नहीं होता, अब राजा ईवीएम के बटन से पैदा होता है। अनुप्रिया पटेल का बयान सुनिए। पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार 26 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूं, हमारे भाई सोनकर जी ने अपने इस लोकसभा क्षेत्र को परिवर्तन के एक नए युग में ले जाने का काम किया है। अनुप्रिया पटेल के इस बयान पर पलटवार करते हुए राजा भैया ने कहा कि ईवीएम से राजा नहीं बल्कि जन सेवक पैदा होता है जो जनता की सेवा करता है। दोनों पक्षों की ओर से जुबानी जंग के बाद सियासी भूचाल आ गया, बयानबाजी भी हुई और इस बीच में राजपूत समाज भी कूद पड़े। बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आज़ाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे, अनावश्यक बयान था। अनुप्रिया पटेल के दिए गए बयान के बाद जनपद के क्षत्रिय समाज में इसका गहरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। राजा भैया पर दिए गए बयान को क्षत्रिय समाज स्वयं से जोड़कर देख रहे हैं और उनका मानना है कि राजा भैया पर इस प्रकार के बयान दिए ही नहीं जाने चाहिए थे जो अनुप्रिया पटेल ने कह दी। इसी तरह अखिलेश भारतीय क्षत्रिय महासंघ के पूर्व संगठन मंत्री सुरेश कुमार सिंह ने भी अपने समाज पर हमला करार दे रहे हैं। प्रताप वाहिनी क्षत्रिय संगठन के अध्यक्ष अशोक सिंह इस बयान को आहत करने वाला बताया, जबकि विजयपुर स्टेट के अनिल प्रताप सिंह ने भी आक्रोश व्यक्त किया। वहीं अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी वाराणसी में अनुप्रिया पटेल के बयान को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि राजा भैया का बैकग्राउंड पूरा यूपी जानता है, कुछ गुंडा लोग को वोट मिलता है, लोगों को डराकर गुमराह कर वोट लेते हैं, ऐसे कई लोग चुनकर भी आते हैं। वोट लेने से कोई राजा नहीं बनता, नाम का राजा हो सकता है। अनुप्रिया पटेल ने जो कहा जो बोला वो सही। केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल हैं। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर लोकसभा सीट से इस बार फिर से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उनके मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि कुंडा विधायक और जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने वाले हैं और मिर्जापुर से।
राजा भैया के उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने की वजह से अनुप्रिया पटेल को काफी दिक्कत भी हो सकती है। पिछले दिनों अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें राजा भैया कहे थे कि उन्हें मुसीबत हुआ। राजा भैया ने साथ ही जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कुछ दिग्गज नेता भी राजा भैया के साथ मिर्जापुर पहुंचकर अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव प्रचार करने वाले हैं, ये खबर सामने आई है। बीते दिन कुंदा विधायक और जनसत्ता दल के अध्यक्ष राजा भैया की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद बीजेपी को समर्थन देने के संकेत मिले थे, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए किसी भी दल को समर्थन नहीं देने का ऐलान किया था। इसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। कहा गया कि सपा को राजा भैया समर्थन देंगे, लेकिन अंदर मन से। राजा भैया ने अपने बयान में यह भी कहा था कि हमारे समर्थक जिसको चाहे अपने मन से वोट कर सकते हैं। हालांकि उनके ऐलान के बाद से सियासी बयानबाजी जारी रही। अब खबर आ रही है कि वह अनुप्रिया पटेल के खिलाफ जनसभा करेंगे मिर्जापुर में। उनके इस फैसले से अनुप्रिया पटेल की दिक्कतें बढ़ सकती है, क्योंकि मिर्जापुर क्षेत्र में राजा भैया की पकड़ काफी अच्छी मानी जाती है। माना जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल और राजा भैया की सियासी लड़ाई में किसी तीसरे का फायदा हो सकता है। सपा ने इस सीट से रमेश बिंद को प्रत्याशी बनाया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मिर्जापुर में राजा भैया बनाम अनुप्रिया पटेल की लड़ाई बीजेपी कैसे संभालेगी। और अंत में आपको ये भी समझाते हैं कि मिर्जापुर सीट के समीकरण क्या कुछ कहते हैं। मिर्जापुर लोकसभा सीट पर बीएसपी ने ब्राह्मण समुदाय से आने वाले मनीष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश की यह सीट बाहरी प्रत्याशियों के लिए मुफीद रही है। पिछले 40 सालों से बाहरी प्रत्याशी सीट का संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 1984 में कांग्रेस के उमाकांत मिश्र के बाद स्थानीय किसी उम्मीदवार को सफलता नहीं मिली। इससे पहले दस्यु सुंदरी फुलन देवी का मिर्जापुर से चुनाव जीतना भी कम चर्चा का विषय नहीं रहा था। इस सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के रूप में दो बार 1996 1999 में फुलन देवी ने जीत दर्ज की थी, और जो काफी चर्चा का विषय बना। उनकी बहन मुन्नी देवी फुलन देवी के विरासत संभालने के लिए यहां से चुनाव लड़ी, और फिर लेकिन उस बार जो चुनाव लड़ी वो जनता ने उन्हें नकार दिया और वो हार गई। फुलन देवी और ददुआ के भाई बाल कुमार पटेल ने मिर्जापुर सीट से चर्चा में रहे। सोनभद्र जिले से यहां से आकर 2004 में बसपा से सांसद बने नरेंद्र सिंह कुशवाहा घूस कांड में फंसे और फिर अपनी सदस्यता गंवा बैठे। उन दिनों घूस कांड काफी चर्चा में रहा था। मिर्जापुर लोकसभा सीट पर मुकाबला सपा और अपना दल के बीच में ही प्रतीत हो रहा है। यहां सपा उम्मीदवार जो बात कहना है कि बाहरी प्रत्याशी को मुद्दा उछाला है। अब देखना यह होगा कि बाहरी प्रत्याशी की लड़ाई में और राजा भैया अगर अनुप्रिया पटेल के खिलाफ मैदान में उतरते हैं मिर्जापुर में, तो फिर यहां का समीकरण क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़।